आज के दौर में अगर किसी को 15 रुपए महीने तनख्वाह मिले तो आप क्या कहेंगे? क्या आज के समय 15 रुपए में घर चलाना किसी के लिए संभव है? वो भी उस काम के लिए जो एक परिवार पुश्तों से करता आ रहा है। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे एक इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जो आज के समय में भी महज 15 रुपए मेहनताना लेकर काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं आगरा के ताजमहल के अंदर बने मस्जिद की। आगरा में ताजमहल स्थित एक ऐसी मस्जिद है जहां के इमाम परिवार को मात्र 15 रुपए की तनख्वाह मिलती है, यानी रोज के हिसाब से सिर्फ 50 पैसे मिलते हैं। ये तनख्वाह उन्हें लंबे समय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से मिल रही है। दरअसल मुगल काल में परिवार को तनख्वाह के रूप में 15 सोने की अशर्फियां मिलती थी। इसके बाद परिवार को 15 सोने की गिन्नियां मिलना शुरू हुई। फिर तनख्वाह के तौर पर चांदी के 15 सिक्के मिलने लगे। साल 1966 से परिवार को भारतीय मुद्रा में 15 रुपए मिल रहे हैं। 15 का यहाँ आंकड़ा 5 पीढ़ियों से परिवार के साथ बना हुआ है। ये आंकड़ा अब इस परिवार को खलने लगा है, क्योंकि 15 रुपए में घर चलाना परिवार के लिए मुश्किल हो रहा है। सरकार से हर महीने मिलने वाले तनख्वाह से नाखुश परिवार के लोग इसे बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। ताजमहल की शाही मस्जिद के इमाम मोहम्मद खालिद की 5 पीढ़ियां ताजमहल में स्थित शाही मस्जिद में अकीदतमंदों को नमाज अदा करवा रही हैं। ताजमहल के इमाम रहे मोहम्मद सादिक बताते हैं कि उन्होंने 18 साल तक 15 रुपए महीने की तनख्वाह पर इमाम की नौकरी की है, और अब उनका बेटा बुरहान भी 2.5 साल से 15 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है। मोहम्मद सादिक और बुरहान का कहना है कि वो ताजमहल में स्थित शाही मस्जिद में तीनों समय की नमाज अदा करवाने पहुंचते हैं। वो कई बार सरकार से तनख्वाह बढ़ाने की गुहार लगा चुके हैं। ताजमहल मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी भी इस मामले को लेकर कई बार ASI और सरकार से गुहार लगा चुके हैं। ये हमारा आबाई ख़ानदानी जगह है, और इससे पहले हमारा दादा परदादा है यहाँ पर, नमाज पढ़ाते चले आ रहे हैं। सर 1966 से मेरे वालिद थे यहाँ पर, 2004 रहे अब्बा, उसके बाद फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, सैयद सादिक अली पढ़ा रहा हूँ नमाज़। 2004 से वहाँ में पढ़ा रहा हूँ अभी तक, मेरी भी करीब करीब यहाँ पर 18 साल हो गए पढ़ाते हुए नमाज। उसकी जगह मेरा बेटा सैयद सादिक बुरहान अली, इसको खड़ा कर दिया, ये पढ़ाता है, नायब इमाम है। सादिक साहब, आपके जो दादा परदादा थे उनको यहाँ नमाज पढ़ाने के अवज़ में क्या मेहनताना मिलता था? उनको तनख्वाह पहले मिला करती थी, पहले सिक्के थे चांदी, सोना सिक्के थे, सोने के सिक्के मिलते थे पहले। कितने सोने के सिक्के? करीब 15 सिक्के थे पहले। वो कौन देता था? मेरे से मिलते थे, ऐसा ही। अच्छा, अब क्या स्थिति है? अब ये 15 रुपये कहाँ देना है, अब सिर्फ कागज़ के 15 रुपये देना है। ऐसा ही दिया, 15 महीने देती है, लेकिन 15 रुपये भी अभी हम कभी 18 महीने से नहीं मिले हैं 15 रुपये भी, वो रोक दिए उन्होंने देते देते। सादिक साहब, 15 रुपए आपको तनख्वाह महीने की मिलती है और पुश्तैनी आप लोगों का काम है, कितना मुश्किल है घर चलाना 15 रुपए में, क्या क्या दिक्कतें होती हैं? ये तो बस अल्लाह के अल्लाह का मैं करता है, काम चल रहा है हमारा, बच्चे वगैरह पढ़ाते हैं, अपने से काम निकालते हैं, करते हैं। क्या कहना है सरकार से? कोई गुजार सरकार से हम लोग ये कहना है कि भाई हमारे तनख्वाह को जो एक आदमी के माँ बाप जो करता है मुलाजिम है तनख्वाह, उनके बाद तनख्वाह हो जाए, और जो हम काम चल रहा है हमारा चलता रहे चलता रहे। अगर जो 15 सरफियाँ आप लोगों को मिलती थी उसकी अब कीमत क्या होगी? उसकी कीमत करीब मेरे ख्याल से 70 से 80 रुपये बैठते हैं। और अभी भी आपको 15 रुपये का? अभी इसी 15 रुपये मिलते हैं, ASI देती मैं ASI। अच्छा, पहले जो 15 सरफियाँ मिलती थी वो किस चीज़ की होती थी? पहले सोने की थी, अच्छा मिलती मैं सोने की थी, फिर चांदी की होगा, उसके बाद चांदी की खत्म कर दी उन्होंने, चांदी के बाद फिर उसके बाद कोई लिखत पढ़ होती पहले जैसे थे 10 मिल जाती पहले, अब लिखत पढ़ होता है तो 15 रुपये चलाने वाले लिए हमारे अब्बा ने। कभी आप लोगों ने मांग नहीं की? मांग करिए, कई बार मांग करिए, लिखा पढ़िए करी दिए कि आपके पास बढ़ा जाएंगे, बढ़ाए बढ़ाने आज तक बढ़ाई नहीं। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।